फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये जेंट स्वेटर का डिजाइन। ये देखिए, मैंने जेंट स्वेटर बनाया हुआ है, ये देखिए, और इस पर ये डिजाइन मैंने डाला हुआ है। ये उभरा उभरा सा डिजाइन आता है, देखिए कितना प्रीटी ये लग रहा है। आज मैं आपको इसका बनाना सिखाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको इस डिजाइन के बारे में बता देती हूँ, इस स्वेटर के बारे में बता देती हूँ कि कितने फंदे मैंने, देखिए शुरू में मैंने यहाँ पर ये डिजाइनर फंदे यहाँ पर डाले हुए हैं। ये मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप इनको सीख सकते हो। और अगर आपको ये आते हैं तो आप इस तरह से लगाइएगा। और मैंने ये फिर एक फंदा सीधा एक उल्टा इस तरह से मैंने बॉर्डर डाला है। और यहाँ पर मैंने बॉर्डर के लिए इसमें फंदे लिए हैं 95 मैंने फंदे लिए हैं। ये जो है 10 नंबर की निटिंग नीडल से मैंने बनाया, 10 नंबर की सिलाई से मैंने ये बनाया हुआ है। और फंदे मैंने यहाँ पर 95 डाले हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ से फिर मैंने ये बॉर्डर के बाद ये डिजाइन स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने फिर बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पर 10 फंदे बढ़ा दिए हैं। ये मीडियम साइज के लिए है ये जो स्वेटर मैंने बनाया है, इस तरह से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बनाना। देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने 6 के मल्टीपल में स्टिच लगाने हैं और प्लस उसमें करना है आपने 2, 6 से गुणा करके आपने फंदे लगाना है और जमा उसमें आपने 2 करना है। राइट साइड से मैंने ऐसा बनाया हुआ है और रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से 12 फंदे मैंने सीधे डाले हैं और उसके बाद 2 फंदे उल्टे डाले हैं। इस तरह से मैंने ये रॉन्ग साइड से बनाया है। रॉन्ग साइड से इस तरह से जेंट्स को अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। और देखिए, उल्टी तरफ से ये डिजाइन इस तरह से आता है। मैं आपको रॉन्ग साइड से भी बता देती हूँ, ये देखिए रॉन्ग साइड से इस तरह से ये डिजाइन दिखता है। मैंने यहाँ पर 20 फंदे डाले हुए हैं, 20 फंदों में ये पैटर्न मैं आपको बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बना भी दिया है ये। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम पहली रो है हमारी ये राइट साइड से। अब यहाँ पर पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतारेंगे, सीधा इसको हम बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा हमने उतार लिया यहाँ पर। अब आगे वाले 3 फंदे हमने यहाँ पर देखिए, 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। एक हो गया, 2 और ये 3। बॉर्डर के बाद जब हम इस डिजाइन को शुरू करेंगे तो इस तरह से आपने बनाना है। पहला फंदा हमने सीधा उतार लिया, उसके बाद 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं। और स्लिप हमने किए ये नीटवाइज, जैसे हम सीधे बनाते हैं वैसे आपने स्लिप करने हैं। और उसके बाद 3 फंदे सीधे, इस पूरी रो में हमने यही करते जाना है। 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं इस तरह से, देखिए 3 फंदे स्लिप किए और 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। एक हो गया, 2 और ये 3। इसी तरह से आपने पूरी रो में करते जाना है। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है और जेंट्स स्वेटर पर बहुत ही प्यारा ये लगता है। इस तरह से 3 फंदे सीधे बना लिए और लास्ट में एक फंदा आपके पास बचेगा, वो भी आपने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 2 में रॉन्ग साइड से। अब रो 2 में रॉन्ग साइड से देखिए, जो फंदे हमने सीधे बनाए वो हम रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, 4 फंदे हमने यहां पर सीधे बनाए तो वो हम उल्टे बनाएंगे। यहां पर 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब जो 3 फंदे हमने स्लिप किए थे, ऐसे ही जो लिए थे, वो हम स्लिप ही करेंगे। और स्लिप किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम इनको स्लिप करेंगे। ये 3 फंदे हमने स्लिप ही करने हैं और उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे उल्टे बनाने हैं। और इस पूरी रो में आपने यही करते जाना है। जो 3 फंदे स्लिप किए थे वो हम स्लिप भी करेंगे इस तरह से और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे रॉन्ग साइड से रो 2 में। और लास्ट का एक फंदा भी उल्टा बना लेना। अब आ जाइए रो 3 में राइट साइड से। अब रो 3 में पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतारेंगे सीधा और उसके बाद धागे को हम यूं घुमाएंगे, जाली यहां पर हम डालेंगे, इसको धागे को हमने यूं घुमाना है। और आगे वाले 3 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे पीछे की तरफ से, इस तरह से पीछे की तरफ से हम ये 3 का एक फंदा करेंगे। ये 3 का एक फंदा वो करेंगे जो हमने स्लिप किए थे इस तरह से, और धागे को फिर से घुमाना है इस तरह से। हमारे 3 का एक फंदा हुआ और वापिस से 3 हमारे फंदे ये जाली डालते हुए हो गए।
धागा घुमाना है और उसके बाद तीन बीच के तीन फंदे सीधे, और इस पूरी रो में आपने यही करते जाना है, धागा घुमाना है। जो तीन फंदे हमने स्लिप किए थे वो हम तीन का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से इस तरह से, और फिर से धागा घुमाकर तीन फंदे सीधे। इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है, इसी तरह से करते जाना है आपने इस पूरी रो में। लास्ट में आपके पास बचेंगे चार फंदे, वो आपने ऐसे ही सीधे बना लेने इस तरह से। और अब आ जाइए रो फोर में। रो फोर में आपने पूरी रो उल्टी बनानी है, रॉन्ग साइड से आपने पूरी रो ये उल्टी ही बनानी है। अब आ जाइए रो फाइव में, राइट साइड से इस तरह से। देखिए हमारा डिजाइन यहां पर आ गया है। अब रो फाइव में देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे, और उसके बाद आगे वाले तीन फंदे हमने स्लिप किए थे पहली रो में, तो अब इस रो में हमने वो सीधे बनाने हैं, वो हमने बुनने हैं यहां पर तीन फंदे। और जो आगे वाले फंदे जो हमने बुने थे वो हमने इस रो में स्लिप करने हैं। सेम रो वन की तरह है, लेकिन इसमें हम वो फंदे स्लिप करेंगे जो हमने बनाए थे इस तरह से, और तीन फंदे सीधे। इस पूरी रो में आपने यही करते जाना है। और आगे वाली रो सिक्स में आपने जो फंदे हमने स्लिप किए हैं वो स्लिप ही करने हैं, जो फंदे हमने बनाए हैं वो आपने सीधे बनाए हैं यहां पर, वो आपने उल्टे बनाने हैं सेम रो टू की तरह। इस रो में देखिए लास्ट में एक फंदा हमारे पास बचता है, तो वो आपने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो सेवन पर, राइट साइड से। रो सिक्स मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है, उसमें हमने जो फंदे बनाए हैं वो हम उल्टे बनाएंगे, और जो स्लिप किए हैं वो हम स्लिप भी करेंगे। तो यहां पर देखिए अभी हमारी रो सेवन है, इसमें पहले तो हम वो चार फंदे सीधे ही बनाएंगे, दो हो गया तीन और ये चार। अब चार फंदे के बाद हम धागे को यूं घुमाएंगे, जाली हम यहां पर डालेंगे, और जो फंदे हमने आगे वाले यहां पर स्लिप किए हैं वो हम सीधे बनाएंगे पीछे की तरफ से। तीन फंदे हम यहां पर सीधे बनाएंगे पीछे की तरफ से इस तरह से, और यहां पर फिर से धागे को घुमाकर तीन फंदे सीधे। इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है, और लास्ट का एक फंदा आपके पास बचेगा वो आपने सीधा बना लेना है, और आगे वाली रो एट आपने पूरी रॉन्ग साइड से उल्टी बनानी है इस तरह से। देखिए आठ रो तक मैंने ये डिजाइन कंप्लीट कर लिया है, और इस तरह से ये हमारा डिजाइन यहां पर आ गया है। मैं आपको स्वेटर में भी दिखाती हूं, ये देखिए, ये देखिए। तो चलिए आप भी बनाइए, रो वन से लेकर रो एट तक आपने कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक।